हेलो फ्रेंड्स, आज अपन आ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के पार्ट थ्री पे और मेरा नाम है पीयूष खांबिया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज वो रेड वाला बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन दिया है उसको जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोस का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये प्रोबेबिलिटी है 10th स्टैंडर्ड का, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट वन और पार्ट टू प्रोबेबिलिटी का नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट वन और पार्ट टू देख लीजिए, और कोई डाउट है तो आप हमें कभी भी कमेंट कर सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट है इसका एग्जैक्टली टू हेड्स, सेकेंड है एटलीस्ट टू हेड्स, थर्ड है एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, एंड फोर्थ पार्ट है इसका नो टेल्स। देखते हैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा। उससे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जैसा कि आप सबको पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स की बात आती है तो हम पहले आउटकम्स देख लेते हैं। अगर मैं थ्री कॉइन्स को टॉस करूंगा तो क्या क्या आउटकम्स होंगे। तो यहां पर साइड में आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट कॉइन लिया है मैंने, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट कॉइन में मान लीजिए हेड आया, सेकेंड में भी हेड आया, थर्ड में भी हेड आया, या फिर फर्स्ट में हेड आया, सेकंड में हेड आया, थर्ड में टेल्स आया। तो इस तरह से हमारे पास टोटल आउटकम बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है अपने पास 8। अब देखते हैं हमें चाहिए एग्जैक्टली टू हेड्स। तो एग्जैक्टली टू हेड्स कहाँ कहाँ है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पार्ट अपन को मिल गया, ये दूसरा पार्ट और ये थर्ड पार्ट। यहीं पर टू हेड्स हैं, बाकी दूसरे आउटपुट्स में या तो थ्री हेड्स हैं या फिर वन हेड है या फिर हेड नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3/8। तो आइए अपन यहां से चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है अपना एटलीस्ट टू हेड्स वाला। तो एटलीस्ट टू हेड्स का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि कम से कम टू हेड्स होना चाहिए। उससे ज्यादा चलेंगे पर लेकिन उससे कम नहीं चलेंगे। इट मीन्स हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए जिसमें टू हेड्स है या फिर थ्री हेड्स है। थ्री हेड से ज्यादा हो नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ थ्री कॉइन्स हमने टॉस करे हैं। तो आइए इसका आउटपुट देखते हैं कौन कौन से हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे। एक तो ये, क्योंकि इसमें टू हेड्स है, ये भी क्योंकि इसमें भी टू हेड्स है, ये भी क्योंकि इसमें भी टू हेड्स है। थ्री हेड वाला भी चलेगा क्योंकि उन्होंने बोला है एटलीस्ट, तो ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम है। इट मींस इसका आंसर क्या आप बता सकते हैं, एटलीस्ट टू हेड का ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 4/8। कैंसिल करेंगे तो आंसर बचेगा दैट इज 1/2। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है अपना एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल। देखते हैं इसके आउटपुट क्या क्या होंगे। कम से कम एक हेड होना चाहिए और साथ में एक टेल भी होना चाहिए। तो ये है हमारे टोटल आउटकम्स, वन हेड वन टेल। वन हेड से ज्यादा चलेगा, वन टेल से भी ज्यादा चलेगा, पर लेकिन कम से कम वन हेड और वन टेल होना ही चाहिए। देखते हैं इसके आउटपुट कौन कौन से होंगे। क्या ये हमारा आउटपुट है, फेवरेबल आउटकम है, एग्जैक्टली है, क्योंकि इसमें वन हेड और वन टेल है, बाकी कुछ भी है पर लेकिन वन हेड और वन टेल है। ये भी हमारा फेवरेबल है, ये भी हमारा फेवरेबल है क्योंकि इसमें भी वन टेल कम से कम है और वन हेड भी है। ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इसमें काउंट कर सकते हैं अपन, टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आंसर क्या होगा, 6/8, और कैंसिल करने के बाद आंसर बचेगा फाइनल दैट इज 3/4। आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है नो टेल्स, मतलब एक भी टेल नहीं होना चाहिए। एक भी टेल नहीं होना चाहिए मतलब इसमें कोई भी टेल नहीं चाहिए। इट मींस वो वाला पार्ट हमारा सिर्फ तीनों हेड होंगे क्योंकि बाकी सब में कहीं ना कहीं टेल है। सो द आंसर शुड बी 1/8। आई होप आपको हमारे ये वाले वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो अपना सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जैसा कि आप सबको पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब अपन देखते हैं टोटल 53 संडेज कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकता है। अपन ये देख लेते हैं कि टोटल हमारे ऑर्डिनरी ईयर में कितने वीक होते हैं और कितने डेज होते हैं। तो हमारे ऑर्डिनरी ईयर में नॉर्मली 365 डेज होते हैं। दो तरह के ईयर होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर।
ऑर्डिनरी ईयर में जैसा कि मैंने आपको बोला 365 डेज होते हैं और वन वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम 365 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 से डिवाइड करा तो क्वेश्चन मिला 52 और रिमाइंडर मिला 1। इट मींस हमारे पास टोटल वीक है 52 और साथ में 1 डे और है। इट मींस 52 वीक्स टोटल है। इट मींस 52 टाइम्स संडे भी आएगा, मंडे भी आएगा, ट्यूसडे भी आएगा, इसी तरह 7 डेज 52 टाइम्स आएंगे। पर लेकिन एक ये जो एक्स्ट्रा 1 डे आया है इसी की वजह से हमारा आंसर आएगा। अब ये देखते हैं कि हमारा टोटल आउटपुट कौन कौन से होंगे, दैट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अप टू सैटरडे, कोई सा भी डे हो सकता है। ये जो 1 डे एक्स्ट्रा है उनमें से कोई सा भी आ सकता है क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा आएगा। अब हमारा फेवरेबल है दैट इज संडे, क्योंकि उनको 53 संडे चाहिए। 52 टाइम्स संडे आ चुका है, अब एक बार और संडे आ जाएगा तो हमारा आंसर आएगा। तो एक बार संडे कब आएगा, जब इन 7 आउटपुट में से एक हमारा फेवरेबल आउटकम आ जाएगा। इट मींस हमारा फेवरेबल आउटकम है संडे आउट ऑफ 7, सो द आंसर शुड बी एग्जैक्टली, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दैट इज 1/7। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the probability that a leap year has 53 Sundays and 53 Mondays? Exactly, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, पर लेकिन इस बार यहाँ पर उन्होंने बोला है लीप ईयर है और उन्होंने बोला है कि 53 संडे भी चाहिए और साथ में 53 मंडे भी चाहिए। तो जैसा कि अपन को पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। नंबर ऑफ वीक्स पहले फाइंड आउट करना पड़ेंगे अपन को। 366 डेज होते हैं लीप ईयर में और 7 डेज होते हैं वन वीक में, तो हमें नंबर ऑफ वीक फाइंड आउट करना है और साथ में नंबर ऑफ डेज। तो हम 366 को 7 से डिवाइड करेंगे, हमें क्वेश्चन मिलेगा 52, रिमाइंडर है 2। इट मींस टोटल वीक है अपने पास 52 और एक्स्ट्रा है 2 डेज और। इस 2 डेज की वजह से ही संडे और मंडे 53 टाइम्स आ सकता है क्योंकि 52 टाइम्स तो सारे डेज आ ही रहे हैं। तो देखते हैं अपन अपने टोटल आउटकम्स कौन कौन से हैं, आउटपुट्स कौन कौन से हैं। संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। इसके बाद फिर से वही डेज रिपीट होने लगेंगे क्योंकि हमारे पास 2 डेज एक्स्ट्रा हैं, तो हमने 2-2 डेज का आउटपुट यहां पर बना लिया है। अब अपना फेवरेबल आउटकम कौन सा है, बिल्कुल सही, ये फर्स्ट वाला संडे एंड मंडे। और टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, टोटल काउंट करके ये आ रहे हैं, दैट इज 7। इट मींस इसी के वजह से हमारा 53 संडेज एंड 53 मंडे आएगा अगर ये किसी ईयर में आया तो। इट मींस इसके चांसेस हैं 1 out of 7 आउटपुट। सो इसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली आंसर होगा दैट इज 1/7। दोस्तों अब मैं कुछ दिन बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और मैं आप सबसे एक एडवाइस भी चाहता हूँ, आप 10th क्लास के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं उसको मैं पूरा डिटेल में बनाऊँगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।